खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश में आज रैलियों का रविवार, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में ताकत झोंकेंगे सभी पार्टियों के दिग्गज नेता। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की दो रैलियां, दोपहर 12 बजे जलगांव और शाम 4 बजे भंडारा में करेंगे जनसभा। आज से चुनाव प्रचार में उतरेंगे राहुल गांधी, महाराष्ट्र के लातूर में करेंगे रैली, मुंबई के चांदीवली और धारावी में भी करेंगे प्रचार। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे, 3 रैली और 1 रोड शो करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की आज 5 रैलियां, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड़ और हिंगोली में करेंगे प्रचार। मुंबई से सटे थाने में प्रचार करने पहुंचे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, आम लोगों की तरह होटल में खाया खाना। हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार नवीन जयहिंद की अजीबोगरीब हरकत, पीठ पर फरसा लेकर किया प्रचार। हरियाणा में बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र, हमारे सपनों का हरियाणा दिया गया नाम, जनता से सुझाव लेकर किया तैयार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सर्बिया के बेलग्रेड पहुंचे, भारतीय संसद के शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं बिरला। सूचना आयोग के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, बोले लोकतंत्र की यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ आरटीआई। दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कीर्तन में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, ट्विटर पर जारी की समारोह की तस्वीरें। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी से गठबंधन के बाद भी शिवसेना ने जारी किया अलग घोषणा पत्र, 10 रुपए में खाना देने और नौकरी में स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण का दावा। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने छापेमारी को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला किया, कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बदले की कार्रवाई बताया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की वकालत की, गांधी परिवार को लेकर वफादारी का दावा किया। विधायक अलका लांबा ने थामा कांग्रेस का हाथ, पीसी चाको ने अलका लांबा को कांग्रेसी सदस्यता दिलाई। जनसंख्या नियंत्रण के लिए निकली जनसंख्या समाधान यात्रा आज दिल्ली पहुंचेगी, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की कर रहे हैं मांग। रामपुर में आजम खान बोले कानूनी पचड़ों की वजह से 22 किलो वजन घटा, पत्नी तंजीम फातिमा के लिए मांगे वोट। यूपी के देवबंद में बीजेपी पार्षद धारा सिंह की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ किया केस दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के जमशेदपुर में आम आदमी पार्टी की सभा में खाने को लेकर मारामारी, बीच सभा में ही खाने पर टूट पड़े कार्यकर्ता।